साल 2015 में चाइना में एक फिक्शन फिल्म आई थी वुल्फ वॉरियर, और इसके सीक्वल ने इस शब्द के चलन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया और काम की। यह फिल्म चाइनीज नेशनलिस्ट के हिसाब से बनी थी, जिसमें चाइनीज आर्मी पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई थी, जिसमें चाइनीज आर्मी वेस्टर्न कंट्री के भाड़े के सैनिकों का सामना करती, जिसके बाद से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस फिल्म के नाम को ही एक डिप्लोमेसी के तौर पर काम की, जिसका नाम था वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। एक ऐसा शब्द जिसने पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली, खास करके जब से शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइनीज सरकार के लिए चाइना से अपनी विचारधारा का विस्तार करने, पश्चिमी देशों का मुकाबला करने और अपनी रक्षा करने की एक रणनीति। यह कम्युनिकेशन की लेटेस्ट आक्रामक और टकराव की शैली के लिए एक शब्द फाइनेंशियल टाइम्स के 2020 के एक आर्टिकल में बताया गया, कैसे यह शब्द सीधे तौर पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के विचारों से जुड़ा हो। लंदन में SOAS चाइनीज इंस्टीट्यूट के निदेशक स्टीव सांग के हवाले से कहा गया, शी जिनपिंग ने कई बार कहा है कि चाइनीज ऑफिसर और राजदूत को चीन की गरिमा की रक्षा करने के लिए तलवारें खींच लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वुल्फ वॉरियर सिर्फ शी जिनपिंग के हथियारों के आह्वान पर काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में चीन की डिप्लोमेसी को देखने पर भी यह पता चलता है, जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अटलांटिक बैठक में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर दो दो हाथ करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। चाइना की फॉरेन पॉलिसी की रणनीति में बदलाव को कई कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे कि पहले के नेताओं की तुलना में शी जिनपिंग अधिक सत्तावादी प्रवृत्ति के हैं। पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अमेरिकी चाइनीज संबंधों का बिगड़ना, चाइना पर कोरोना वायरस महामारी संबंधी आरोप जैसे कई मुद्दे, जिसे अपने आप को बचाने के लिए चाइना ने काफी आक्रामक रुख अपनाया है। हालांकि चाइनीज ऑफिसर के मुताबिक यह कदम केवल पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े होने को लेके हैं। द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दिसंबर 2020 में चाइना के मंत्री ले उचिंग के हवाले से कहा कि यह सब टिट फॉर टिट जैसा है, यानी कि जैसे को तैसा है, जो जैसा व्यवहार करेगा उसके लिए ही यह पॉलिसी अपनाई गई है। चाइना के मंत्री ले उचिंग ने चाइना की एक यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा था कि इस टर्म के जरिए चाइना की फॉरेन पॉलिसी की गलतफहमी को दर्शाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब जब वे हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लगातार हमें सता रहे हैं, हमारा अपमान और बदनाम कर रहे हैं, तो हमारे पास अपने राष्ट्रीय हितों और गरिमा की मजबूती से रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की अखबार पीपल्स डेली, जिसकी बिक्री चीन में सबसे ज्यादा है, उसने दिसंबर 2020 के एक आर्टिकल में लिखा कि देश और लोगों के हितों की रक्षा करना चीन की कूटनीति के महान मिशन के रूप में कार्य करता है। चीन के गरिमा का अपमान नहीं होना चाहिए और उसके हितों को कमतर नहीं आकना चाहिए। यदि कोई देश चीन की न्यायिक संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो चाइना को दृढ़ता से उसका मुकाबला करना चाहिए, जो कि चीन की कूटनीति की आखिरी रेखा है। पीपल्स डेली ने कहा कि चीनी लोगों की नजर में यह न्याय की आवाज होगी, जैसा कि चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता चुन यिंग ने कहा कि उन्हें उस वुल्फ वॉरियर की उपाधि के साथ रहने में कोई समस्या नहीं दिखती, जब तक कि हम चाइना की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हेतु राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। चाइनीज ऑफिसर बेझिझक अपनी इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर चाइनीज अधिकारियों की भाषा शैली देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। चाइनीज ऑफिसर हमेशा पश्चिमी देशों के किसी भी आरोप का काफी आक्रामक अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए साल 2021 में चाइनीज गवर्नमेंट के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की एक बच्चे की हत्या की डिजिटल रूप से संशोधित तस्वीर ट्वीट की, जिसमें दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलियाई सेना अफगानिस्तान में बच्चों को मार रही है। उनके इस ट्वीट ने ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर को एक घोषणा करने के लिए उकसाया कि चीन आधिकारिक तौर पर उनके लिए माफी मांगे, लेकिन चीन एक इंच भी नहीं हिला। चीन की यह विदेश नीति सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए ही सीमित नहीं, बल्कि जून 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के आधिकारिक मीडिया और राजनयिक को विश्वसनीय, प्यारा और सम्मानजनक चीन की छवि दुनिया के सामने पेश करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था, दोस्त बनाए, एकजुट हो और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की जब बात आती है तो बहुमत हासिल करने के लिए दोस्तों के दायरे को विस्तार करना जरूरी है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन के लिए अब ऐसा करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके आने वाले वक्त में जो प्रोजेक्ट हैं वो जियोपॉलिटिक्स में तनाव को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लिहाजा चीन अपने बचाव के लिए खुलकर आक्रामक होगा, जैसा उसने पिछले दिनों ताइवान में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय किया था। जब मैं यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज आर्मी को यह आदेश दिया है कि 2027 तक उसको ताइवान को अनेक्स करना है। इसके लिए आर्मी को पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।